हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में देखेंगे, मेरा मॉनिटर ख़राब हो गया है और इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है क्या। ऐसे तो नहीं बनने वाला है क्योंकि मेरा जो डिस्प्ले है वो पूरा लाइनिंग आ रहा है, तो हमको लगता है सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं, खोल कर देखते हैं इसमें क्या खराबी है। चलिए देख ले। देखिए फ्रेंड, इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये वीडियो में, पूरा साइड से देखिए, चारों तरफ दिखा दे रहे हैं आपको। और देखिए मेरे बंद हो गया, फिर से चालू करते हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए तार निकल गया फैन, तो देख फिर से लगाते हैं। आ गया, आप देखिए देखा जाए तो डिस्प्ले का जितना मैं बनाते हैं उतना मैं तो आप नया ले सकते हैं। तो इसमें बहुत खर्चा आ जाता है। अगर पूरा डिस्प्ले चेंज करते हैं आप तो आपका बहुत पैसा लग जाएगा, और नया भी ख़रीद सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर का नया क्या क्या रहता है इसमें, पूरा आपको खोल कर दिखाते हैं। और मेरे भाई मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा लाते रहेंगे, और मैं आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छा कंटेंट और वीडियो बनाएंगे, और आपका सपोर्ट रहा तो। चलिए आपको दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या रहता है इस मॉनिटर में। तो देखिए साइड से सब लॉक रहता है, लॉक को निकाला जाता है। पहले गलत साइड से खोल दिए हम, पहले खोलना चाहिए था ये इसको निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद पहले गिरा ये नीचे वाला स्टैंड पहले खोलना पड़ेगा। स्टैंड खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं स्टैंड। पहले स्टैंड खोला जाए, स्टैंड पहले नट खोल लेते हैं, स्टैंड बाद में खोलते हैं। पहले दोनों नट है वो साइड से खोल लेते हैं। तो चलिए जब तक खोल रहे हैं तब तक आप चैनल बने रहिए। भाई मेरे चैनल को बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर। और इस वीडियो में देखिए मेरा LG का मॉनिटर है, वो देख सकते हैं आप, 22 एम LG का मॉनिटर है। अब 22 32 है, कहीं मॉडल नंबर नहीं देखे हैं, बाकी उसे वही होगा सीरियल नंबर मॉडल नंबर। तो आपको वीडियो हम दिखाते हैं, स्टैंड हमने खोल लिया है और इसको भी खोल रहे हैं। ये खुल गया, चलिए नहीं खुल रहा, बाद में खुलते हैं। इसको खोलने के लिए बहुत टूल चाहिए, बहुत महंगा टूल, तो मेरे पास अवेलेबल टूल नहीं है, तो इस पेचकसे से हमने खोल दिया। और कुछ कहा जाता नहीं है, बस लॉक रहता है, लॉक को बस धीरे धीरे करके खोल लीजिए। और देखिए मॉनिटर चालू मॉनिटर, सिर्फ उसमें लाइनिंग आ रहा है, इसलिए जो ऊपर का फ्रेम है जो आपको दिख रहा होगा
ये ऊपर का फ्रेम है, ये साइड से है, ये देखिए साइड साइड में टेप लगा हुआ रहता है, उससे जो स्क्रीन वाला अथी होता है अर्थिंग वही उससे मिलता है। अब इसी से लाइनिंग ये टेप 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 का काम क्या होता है कि जो लाइनिंग लाइनिंग आते रहता है उसी को कम करता है, इसीलिए सटा जाता है चारों तरफ से टेप। समझ गए? तो देखिए मेरा नट है, वो है इसमें बचा हुआ, ये नट हम खोल रहे हैं, स्क्रू है, देखिए LG का है, बहुत हार्ड नट है, इसको हिला डुला के और इसको निकाला जाता है, ये भी फंसा हुआ रहता है, कुछ हिलाएंगे डुलाएंगे तो कवर जाएगा। देखिए ऊपर ये लोग खींचते हैं अपने कवर जाएगा, नट नहीं है उसमें, नट नहीं है इसमें भी, नट नहीं है, और सब दीवार में कसने वाला है, ये नट खुल गया। देखिए ये पीछे का साइड का है, ये देखिए ये कंप्यूटर का स्लॉट है, ये भाई छोटा किट रहता है, ज़्यादा बड़ा किट नहीं है इसका, बोर्ड छोटा बोर्ड है, इसमें मेन रहता है आपका डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले ख़राब हो गया तो समझिए कि कबाड़ी के भाव में आपको बिकना पड़ेगा, जितना में अगर बनाइएगा तो उतना में आप नया ले लीजिएगा। तो चलिए इसको तार कर निकालते हैं, निकाल कर आपको दिखाते हैं, ये छोटा किट रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें हम तार पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ये इसको पिन से निकाल लेते हैं, ये दिखाया, देखिए निकाल लिए हैं, देखिए साइड बहुत पतला आधा बोर्ड है, देखिए पीछे से बोर्ड है, ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड, ये चाय पिन है, चार्जर वाला है, DC पोर्ट है, स्क्रीन का है, आपको दिख रहा होगा, ये VGI केबल वाला है स्लॉट, और ये हमारा मेन DC जो आता है 12 वोल्ट उसी से चलता है। ये चार्जर के टाइप के अडेप्टर आता है उसी से चलता है, बिना अडेप्टर के मॉनिटर आपको नहीं चलेगा, तो चैनल पर बने रहिए हमेशा। अगर फ्रेम हम मिस्त्री नहीं है, सिर्फ मिस्त्री बनने वाले हैं, ऐसा देखते हैं इसको बनाकर बन, अगर बन जाएगा तो बना देंगे, पहले इसको डिस्प्ले लाएंगे SP बर्मा रोड से और घर ही कस लेंगे, ये डिस्प्ले आपको कम से कम 4000 से 4500 के रेंज में चलाता है, और SP बर्मा रोड में अवेलेबल होता है, बाकी जितना में उससे अच्छा है कि फ्रेंड आप नया ले सकते हैं, नया होता, देखिए हम सीरियल नंबर है, कोड दिया हुआ है, बार कोड क्या बोलता है देख ही रहे होंगे आप, ये टेप है साइड से, ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, खाली बस
मेन ऊपर से हल्का कीट रहता है, कुछ है नहीं। डिस्प्ले का इसको पत्ता वाला पिन बोला जाता है, इस स्लॉट में डालते हैं। चलिए डाल देते हैं। डाल दिए हैं और छोटा वाला पिन है उसको भी डालते हैं। छोटा वाला पिन थोड़ा अटने रहा है, देखिए घुस नहीं रहा, देखते हैं कैसे। निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लग नहीं रहा है। दिख नहीं रहा और आपको दिख नहीं रहा भी, और स्टैंड थोड़ा ढीला हो गया था इसीलिए कस रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है फ्रेंड, अब देखिए इसमें इतना छोटा बोर्ड रहता है, आपको दिख रहा होगा यार, इतना छोटा बोर्ड। इसमें मेन इसमें डिस्प्ले होता है और बोर्ड आपका आउटपुट निकाल के देता है, इनपुट लेता है कंप्यूटर से और आपको आउटपुट निकाल के देता है। आपको मॉनिटर का काम सिर्फ आउटपुट दिखाना, और बहुत छोटा छोटा सामान इसमें लगा हुआ बोर्ड में, आईसी वगैरह इसमें छोटा छोटा चीज़ लगा हुआ, बहुत मेहनत से करना पड़ता है। अगर एक भी तार टूट गया तो खेला ख़त्म, फिर आपको हजार का बाजार लग जाएगा। ऐसे जिस समय हम लिए थे तो मेरा पड़ा था 7500 पैसे पड़ गया था, अब इसका रेंज बहुत बहुत भाग गया है, सब चीज़ों का दाम बढ़ गया है इसीलिए। तो फ्रेंड अगला वीडियो में इसको आपको बनाकर दिखाएंगे, अगर तो आपको अगर ये अगर आपने अगर मेरा वीडियो सपोर्ट किया तो अगला वीडियो में इसको हम आपको घर पे बना कर दिखाएंगे। ये स्क्रीन लाएंगे बाज़ार से और घर ही कस के दिखाएंगे। तो फ्रेंड अब इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।